MDH ग्रुप की तीन मसाला मिक्स मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और करी पाउडर में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई गई। वहीं रूटीन सर्विलांस प्रोग्राम के तहत एवरेस्ट के फिश करी मसाला में ये पेस्टिसाइड पाया गया। हम सभी के घरों में कुछ चीजें कॉमन होती है, इन्हीं में से एक है MDH और एवरेस्ट के मसाले। लेकिन हाल ही में इन्हें लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई। हांगकांग और सिंगापुर में खाद्य नियामकों ने लोगों को दो बड़े मसाला ब्रांड के चार प्रोडक्ट MDH के तीन और एवरेस्ट के एक का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी। इसमें इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक है, जिससे कि कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। हांगकांग ने MDH प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के करी मसालों के सेल पर बैन लगा दिया है। दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने के कारण ये फैसला लिया गया। इन प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। हांगकांग से पहले सिंगापुर के अधिकारियों ने इसी वजह के चलते एवरेस्ट के फिश करी मसाले को बाजार से वापस मांगने का आदेश जारी किया था। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को समूह 1 कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाई किया है। 5 अप्रैल को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में हांगकांग के खाद्य नियामक प्राधिकरण सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने कहा कि MDH के तीन मसाला प्रोडक्ट्स मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला और करी पाउडर मिश्रित मसाला पाउडर के अलावा एवरेस्ट के फिश करी मसाला में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड है। हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर कहा कि MDH ग्रुप के तीन मसाला मिक्स मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला, करी पाउडर में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। वहीं रूटीन सर्विलांस प्रोग्राम के तहत एवरेस्ट के भी फिश करी मसाला में ये पेस्टिसाइड पाया गया। बता दें कि MDH और एवरेस्ट फूड्स दोनों ने अभी तक खाद्य नियामकों के दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की। अपने नियमित जांच के तहत CFS ने हांगकांग में तीन खुदरा दुकानों से उत्पाद लिए। CFS प्रवक्ता ने कहा कि परीक्षण के नतीजों से पता चलता है कि नमूनों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड था। नियामक ने विक्रेताओं को बिक्री रोकने और उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया उत्पादों को वापस मांगना शुरू कर दिया गया है। CFS प्रवक्ता ने कहा कि मानव उपभोग के लिए कीटनाशक युक्त भोजन करना तभी जारी रखा जा सकता है जब भोजन की खपत स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या प्रतिकूल ना हो। इसके लिए अधिकतम $50,000 का जुर्माना और दोषी पाए जाने पर 6 माह की सजा हो सकती है। तो अब आपको तय करना है। हालांकि अभी रिपोर्ट पर MDH और एवरेस्ट की टिप्पणी नहीं आई है, आप भी MDH मसाले खाते हैं, एवरेस्ट मसाले खाते होंगे, तो इसमें क्या सचमुच पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा है, मामले पर हमारी नज़र है। कोई टिप्पणी, कोई अपडेट जैसे ही मिलेगा आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।